करेंगे कि यदि पशु पक्षी हमसे श्रेष्ठ हैं तो फिर मनुष्यों को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर इसी श्लोक की नीचे वाली लाइन में दिया गया। ज्ञानम हितेशाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभि समानाः। मनुष्य में विशेष ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की अधिकता है। पशुओं और पक्षियों में ज्ञान की न्यूनता है, कमी है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, लेकिन मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। और जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, उनके लिए भर्तृहरि जी कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन मनुष्यों में धर्म नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, विद्या प्राप्त करने की इच्छा नहीं, तपस्या करने की प्रवृत्ति नहीं, वो मनुष्य मनुष्य होते हुए भी पशु के समान हैं और इस पृथ्वी पर भारत स्वरूप है। तो एकमात्र मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि नर तनु पाई विषय मन देही पलटी सुधाते षठ विष लेही ताही कबहु भल कहै न कोई गुंजा ग्रहै परस मनी खोई आकर चारी लक्ष चौरासी जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी विषय वासनाओं में ही अपने मन को देते हैं, उनके समान मूर्ख नासमझ और कौन हो सकता है।